अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीज टेस्टी ट्रीट। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा कढ़ाई कीमा। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 किलो कीमा, 1 कप दही, 2 अदद प्याज और 2 अदद दरमियाने टमाटर। स्पाइसेस के लिए मैंने लिया है 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 2 खाने की चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1.5 खाने की चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अब कीमे के अंदर 2 खाने की चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दीजिए और तमाम स्पाइसेस कीमे में शामिल कर दें। अब अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए रख दें। अब एक पैन में 1/2 कप ऑयल लेकर उसमें चॉप की हुई प्याज शामिल कर रहे हैं। जब प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो इसके अंदर कीमा ऐड कर दीजिए और अच्छी तरीके से भुनाई कर लें। अब इसके अंदर साबुत गर्म मसाला शामिल होगा। जब कीमा अच्छी तरीके से भुन जाए और ऑयल नज़र आने लगे तो इसके अंदर टमाटर और दही शामिल कर दें। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दें। अब देखिए टमाटर गल चुके हैं और कीमा बिल्कुल तैयार है। तो इसके अंदर मैंने शामिल किया है 2 चम्मच भुना हुआ सफ़ेद जीरा। हरी मिर्ची शामिल करने के बाद इसको हल्की आंच पर रख दें और हरा धनिया डालकर मज़ेदार सा कीमा सर्व कीजिए। मज़ेदार। आप सब इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।